बिहार की राजधानी पटना में कोरोना के दौरान कई लोग मरीजों के लिए मसीहा बनकर सामने आए हैं। कोई लोगों को फ्री में ऑक्सीजन दे रहा है तो कोई उनके घर तक खाना पहुंचा रहा है। उन्हीं में से एक बिहार छात्र संसद है जो अपनी वॉलंटियर के साथ मिलकर पटना में कोविड मरीजों को खाना पहुंचाने का काम कर रही हैं। संकट की इस घड़ी में पटना में कई लोग कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार लोगों की मदद कर रहा है। कोरोना संक्रमित लोगों के लिए खाना एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे में बिहार छात्र संसद ने पटना में 3 सप्ताह पहले 100 कोविड मरीजों के लिए खाना बनाना शुरू किया। खाना बनने के बाद उसे पैक करके लोगों के घर तक वह खाना वितरण होता है। सोनू राज लगातार ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार छात्र संसद के संस्थापक अंकित ने कहा कि कई लोग सोशल मीडिया का यूज नहीं करते हैं। हम उनके पास दूसरे माध्यमों के जरिए पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और लगातार करते रहे हैं ताकि ज़रूरतमंद लोगों की मदद हो। वहीं सोनू राज के नेतृत्व में लोगों तक खाना पहुंचाते हैं। इन लोगों का ज़्यादा फोकस वैसे लोगों पर रहता है जिनके बच्चे घर में नहीं रहते हैं, वह अकेले रहते हैं। अंकित ने कहा कि हमारे पास काफ़ी वॉलंटियर है। हम लोग कई लोगों से खाना कलेक्ट करते हैं। हम लोग पटना में हर जगह कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करते हैं। बिहार छात्र संसद को खाना बनाकर देने का काम पटना के प्रतिष्ठित विमेंस कॉलेज में फिजिक्स की हेड अपराजिता कृष्णा के साथ उनकी बेटी कृतिका रम्या कर रही है। वह भी एक प्राइवेट कॉलेज में प्रोफेसर है। इसके साथ शालिनी कम उम्र में भी समाज के लिए कुछ करने की ललक से उन्होंने भी खाना बनाकर हमें दे रही है। साथ ही साथ ORS पैकेट भी कोविड संक्रमित मरीजों के लिए दिया है। छात्र नेता सोनी तिवारी का कहना है कि हम सब को आगे आकर समाज के लिए जो भी बन पड़े करना चाहिए। इस महामारी में हमें एक दूसरे का साथ और विश्वास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम सब दिन रात देश की सेवा में लगे हुए हैं। इस पूरे काम में मुख्य रूप से अभिषेक, रोहित, परम, सुमन, उत्कर्ष, राहुल, सीमा, मनीष, नवाज, शिशिर शामिल है।